हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि पद्म पुरस्कार साल 2022 के अति अति जरूरी आपके लिए वीडियो क्लिप होने वाला है। शॉर्ट वीडियो क्लिप है, आप लोग इसमें बहुत कुछ जानेंगे और सीखेंगे, पद्म पुरस्कार की पूरी लिस्ट जानेंगे। एक्चुअली भारत के राष्ट्रपति जी ने 25 तारीख को, जिस दिन आप लोग नेशनल वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया करते हैं, उसी राष्ट्रीय मतदाता दिवस वाले दिन ही जो है ना, भारत के कुल 128 नागरिकों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। यानी कि भारत के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न है, उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी पद्म आपका विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इन तीन अवार्ड के तहत टोटल 128 मेंबर हैं, उनके नामों की घोषणा भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने की है। ये बात आपके लिए हो गई। अब दूसरे नंबर इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीनों अवार्ड जो आपको यहां पे फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इनकी घोषणा की है, उसको पढ़े। उससे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरा अनलॉक कोड अनअकैडमी के लिए रहेगा स्टार आईक्यू, बिना स्पेस दिए इस कोड का यूज करना, और इस कोड का यूज अगर आप लोग कर लेते हो स्टार आईक्यू, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा कोई भी बैच अगर आप लेते हो तो। और खास बात यह है कि अगर आप आज ही कोई बैच लेते हो, आज के दिन में 27 जनवरी को अगर आप कोई बैच लेते हो, तो आपको 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलने वाला है। यह गजब की बात है। 1 साल का बैच लेते हो तो आपको समझिएगा 1.5 साल का बैच जो है ना वो मिल जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल मत भूलना, कोड का यूज करना बिल्कुल मत भूलना। अब देखते हैं हम लोगों को ये अवार्ड की लिस्ट पूरी की पूरी। टोटल 128 मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अब इन 128 में से सबसे पहला है पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये टोटल आपके तीन लिस्ट में आ गए हैं। पद्म विभूषण अवार्ड जो है ना, ये आपका दूसरा उच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। दिया क्यों जाता है? असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। और इन सभी के सभी अवार्ड की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न के बाद में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। ये चार नाम बेहद जरूरी है जिनको इस बार मिल रहा है पद्म विभूषण पुरस्कार। एक है प्रभा अत्रे, जो कि कला क्षेत्र में 8 फील्ड में महाराष्ट्र से संबंधित। एक है राधेश्याम खेमका, मरने के बाद में जिन व्यक्तियों को मरने के बाद अवार्ड मिलता है उनको पोस्थूमस बोलते हैं या पोस्थूमसली भी बोला करते हैं, एज द इंग्लिश वोकैब भी आप याद कर सकते हो। साहित्य यानी कि लिटरेचर और शिक्षा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके पेपरों में यकीनन पूछा जाएगा, दैट इज जनरल बिपिन रावत। ही इज आल्सो पोस्थूमसली अवार्ड, लाइक मरने के बाद में, क्योंकि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के अंदर इनका देहांत हो गया था। इनकी पत्नी के साथ ही सिविल सेवा उत्तराखंड से संबंधित है। अगले व्यक्ति है कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत लोक कार्य यूपी के लिए। सवाल यह आता है कि मर ही गए तो अवार्ड मिलेगा कौन? मर गए तो इनकी फैमिली मेंबर ये अवार्ड रिसीव करेगी। लाइक जनरल बिपिन रावत की तो पत्नी का भी देहांत हो गया, लेकिन जो है ना इनके फैमिली मेंबर, इनके बच्चे हैं, वो भी तो इनके अवार्ड को रिसीव कर सकते हैं। फिर बात आता है पद्म भूषण है, उस पद्म भूषण को देखिएगा, ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। देश के लिए बहुमूल्य कोई योगदान देता है तो उस व्यक्ति को ये अवार्ड जो है ना वो दिया जाता है। इन व्यक्तियों को ये मिला है जी, गुलाम नबी आजाद, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, उसके बाद में आप लोग और याद कर सकते, बाकी पूरा पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों को देवेंद्र झाझरिया, खेल के क्षेत्र में, जो कि राजस्थान से है। उसके बाद में आप लोगों को यहां से याद करने में सत्यनारायण नडेला, सुंदर राज पिचई, ये आपके गूगल के सीईओ है, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद में आपको स्वामी सच्चिदानंद साहित्य और शिक्षा, जो कि गुजरात से संबंधित है आपके। लास्ट आपका अवार्ड है पद्मश्री, जो कि हमारा चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। किस किस फील्ड में दिया जाता है? कला में, शिक्षा में, उद्योग में, साहित्य में, विज्ञान में, खेल में, चिकित्सा में, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन के कोई कार्यों में, इसके लिए ये वाले अवार्ड दिए जाते हैं। पदानुक्रम में देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम आपको जो यहां पे दिखेगा,
इसमें आपको कहीं पे दिख जाएगा, एक तो सुमित पांतिल और एक नीरज चोपड़ा, दो नाम तो पक्के याद करने ही करने हैं। के अलावा आपको जैसे ये सुमित पांतिल, ये सुमित लिखना था ठीक है ना, सुमित पांतिल जो दिख रहा था आपको इससे पहले वाला, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका ठीक है ना। उसके अलावा जो है ना आपको यहाँ पे याद करना है, उसके अलावा आपको याद करनी है इस लिस्ट के अंदर प्रमोद भगत है ठीक है ना, इसी बार ओलंपिक से संबंधित है आपके ठीक है ना, मारिया क्रिस्टोफर याद कर लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद में नीरज चोपड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा आपसे ये वाला सवाल तो समझिएगा ठीक है ना। उसके बाद में आपका है कौन सा जी, इसमें नहीं आप लोग वैसे पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए अति जरूरी है, उनके नाम आपको यकीनन याद करने ही होंगे ही होंगे ठीक है ना। उसके अलावा मोतीलाल मदन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो कि हरियाणा से संबंधित है, शिवनाथ मिश्रा कला और यूपी से संबंधित है, अवनी लखेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लड़की को राजस्थान राज्य के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके इंपॉर्टेंट है सोनू निगम, कला और क्षेत्र में महाराष्ट्र से है ठीक है ना, ये नाम याद कर लेना जी, और नाम है विद्या सर के साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में जो कि हिमाचल प्रदेश से है, ब्रह्मानंद ठीक है, ये भी गोवा से संबंधित खेल के अंदर ही है इनका नाम भी। उसके बाद में आपका नाम जो है ना रामदयाल शर्मा राजस्थान से ठीक है, और आपको नाम इसके अंदर नहीं इसके अंदर ठीक है जी, यही नाम है आपको बस याद करने हैं, वैसे टोटल 128 है लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण नाम है जो आपको अति जरूरी या विशेष रूप से याद करने हैं। चलिए बस इतना ही था, शॉर्ट क्लिप आपका समाप्त हुआ हमारा, हंसते रहना मुस्कुराते रहना, मिलेंगे हम लोग जल्द ही, धन्यवाद।